अभी मेरे पास कुछ प्रत्याशी आए थे अपना घोषणा पत्र लेकर, मैंने उनका घोषणा पत्र देखा, उसमें ऐसी कोई विकास की बातें नहीं है, कोई गारंटी की बातें नहीं है कि जिन पे हम विश्वास कर सके। फिलहाल मैं मेरा वोट है उसको दूंगा जो मेरे परिवार को सुरक्षित कर सके, मुझे सुरक्षित कर सके, किसान की फसल को सुरक्षित कर सके, किसान के पशुधन को सुरक्षित कर सके। और आम जनता, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका इलाज बिना रोक टोक के एक फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में बिना रुपए के हो सके, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा को सुरक्षित करना, उसकी रक्षा करना। तो हमारी राजा सरकार होती है, तो हमें वो सरकार चुननी है। आप सभी से मैं फिर अपील करना चाहूंगा कि हमें वो सरकार चुननी है जो हमें सुरक्षित कर सके, हमारे परिवार को सुरक्षित कर सके। क्योंकि अगर आज आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके मान लीजिए 15 लाख रुपए का खर्च आ जाता है, आप कहीं से ब्याज पे रुपया लेकर इलाज करवाते हैं तो आप जिंदगी भर वो पैसा चुकाते रहेंगे। पैसे वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता पैसा, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी ये समस्या होती है। तो हम वो सरकार चुनना चाहेंगे जो हमें फ्री में इलाज कर सके, पशु बीमार हो, पशुधन का इलाज हो फ्री में, फसल का बीमा हो, ये चीजें मायने रखती हैं। और फिलहाल जो सरकार है ये सारे बेनिफिट हमें फ्री में दे रही है, एक से एक बेनिफिट दे रही है। और जो ये घोषणा पत्र है इनमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमें ये इलाज देंगे वो करेंगे, कोई भी नहीं है। और जो मौजूदा सरकार है गहलोत सरकार, गारंटी के साथ बोल रही है कि हम ये इलाज आपको फ्री में देंगे, ये हमको सबको देंगे। जो सरकार हमें प्रेजेंट टाइम में सबसे बढ़िया इलाज दे रही है, बढ़िया सुविधाएं दे रही है, तो हम उसे वोट क्यों नहीं दें? राजनीति जात पात की नहीं होनी चाहिए, आपके बढ़िया काम में आए, आपके विकास के काम में आए, आपको सुरक्षित कर सके, उस सरकार को चुने। और पार्टी के ऊपर मत जाइए, आपके क्षेत्रीय विधायक को देखे जो आपके आधी रात का काम आ सके, आपका विकास करवा सके। यूं नहीं कि आप किसी विधायक के पीछे डोलते रहे, चक्कर काटते रहे, मिले ही नहीं। तो मेरा तो मानना यही है कि जो मौजूदा सरकार है गहलोत सरकार है, बेस्ट सरकार है, इसे फिर से जिताए और जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उन बेनिफिट का फायदा उठाए। अन्य सरकार चुनेंगे तो वही ब्याज पे रुपए लेंगे, आप इलाज करवाएंगे और उनका ब्याज चुकाते चुकाते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी और आपको पशुधन का भी कोई जो है नहीं मिलने वाला। तो ये आप गौर करें एक बार, आपके जो मौजूदा सरकार है उसी सरकार को चुने। अगर आपके पास इससे बेस्ट विकल्प है, इस सरकार से बेस्ट विकल्प आपके पास है कि जनता को हम देने के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, इनसे भी बढ़िया दे रहे हैं, तो हम आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे, हमारे लिए सरकार सोचे तो हम सरकार के लिए सोचे, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। तो फिलहाल जो मेरा वोट है वो जाएगा गहलोत सरकार को।